नमस्कार, साहित्य के किताबी मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। ये बुक कैफे के किताबों की ही एक श्रृंखला है, एक दिन एक किताब की। इसमें मैं उन पुस्तकों की जानकारी देता हूँ जो प्रकाशकों से हमें प्राप्त होती हैं। आज वाणी प्रकाशन से जो पुस्तकें हमें मिली हैं, मैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूँ। कामना चंद्रा, प्रेम रोग तथा अन्य कहानियाँ, यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। सूर्यवाला की एक पुस्तक मानुष गंध, यह भी प्राप्त हुई है। भूले बिसरे फिल्म संगीत सितारे, रघुनंदन शर्मा तुषार की यह पुस्तक। इसके अलावा हरित कविता, 111 कविताओं का संकलन, इसके संपादक हैं प्रभाकरन हेब्बार इल्लत। किरण कोहली नारायण की पुस्तक कश्मीर वादी की असली कहानी, इसकी भूमिका डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखी है। बाघ विरासत और सरोकार, समीर कुमार सिन्हा और विनीता परमार की यह पुस्तक प्राप्त हुई है। तुरणी तुडीर कतरा कतरा कहानियां, चिरंजीव सिन्हा की यह पुस्तक प्राप्त हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर उपन्यास स्त्री और नवजागरण, ये वैभव सिंह की पुस्तक है। इतिहास और विचारधारा, इरफान हबीब की यह पुस्तक प्राप्त हुई है। इसका संपादन एवं अनुवाद रमेश रावत ने किया है। वीराने तक जाना है, इस यह पुस्तक विशाल बाग की है। आउशविट्ज एक प्रेम कथा, यह गरिमा श्रीवास्तव की पुस्तक है। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव पुनर्व्याख्यान, यह भी इरफान हबीब की पुस्तक है। इसका भी संपादन एवं अनुवाद रमेश रावत ने किया है। यह कुल 12 पुस्तकें वाणी प्रकाशन से इस सप्ताह हमें मिली हैं। ये सभी 2023 संस्करण की पुस्तकें हैं। साहित्य तक के किताबें मिली कार्यक्रम में मैं आपको उन पुस्तकों की जानकारी देता हूं जो पुस्तकें हमें प्रकाशन समूहों द्वारा प्राप्त होती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको पहली नज़र में उन पुस्तकों की सूचना देना है जो पुस्तकें हमें मिलती हैं बुक कैफे में चर्चा के लिए। इन्हीं पुस्तकों में से मैं बुक कैफे के एक दिन एक किताब में किसी एक पुस्तक को चुनता हूँ। हमारी कोशिश है कि साल 2023 में मैं जिन पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दूं, वो पुस्तकें किसी न किसी रूप से श्रेष्ठ हों, अपनी विधा की श्रेष्ठ पुस्तकें हों। पिछले साल आपने इस कार्यक्रम को बहुत सारा प्यार दिया, इस साल भी आपका प्यार बना रहेगा। देखते रहें साहित्य तक, बुक कैफे पर किताबों की जानकारी प्राप्त करते रहें, उनके बारे में जानते रहें, अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।